प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल ने अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर भारतीय जनता पार्टी कसौली मंडल की ओर से धर्मपुर में पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर भाजपा कसौली मंडल की ओर से बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल ने भाजपा कार्यकर्ताओं को आगामी चुनावों में विपक्षी पार्टियों का डटकर मुकाबला करने को कहा। हर कार्यकर्ता गांव-गांव, घर-घर जाकर लोगों को प्रदेश व केंद्र की ओर से चलाई जा रही योजनाओं को लोगों तक पहुंचाए, ताकि लोगों को सरकार की हर गतिविधियों की जानकारी मिल सके। उन्होंने कहा कि जयराम सरकार ने प्रदेश के सभी वर्ग को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई हैं, जिससे आम जनता को लाभ मिल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है किसी क्षेत्र में कार्य कम हुआ हो, लेकिन आगामी वर्ष में सरकार बनने पर कसौली में अधूरे कार्य पूरे करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमने अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त पर कसौली विधानसभा क्षेत्र से प्रचार शुरू कर दिया है। इस अवसर पर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष डेजी ठाकुर, कसौली मंडल अध्यक्ष कपूर सिंह वर्मा, महासचिव विनोद मरभा, केवल सिपाहिया ओम प्रकाश खई व अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज अक्षय तृतीया का बहुत पावन पर्व है और भगवान श्री परशुराम जी का भी आज जन्मोत्सव है। इन दोनों पर्वों की मैं समस्त कसौली निर्वाचन क्षेत्र वासियों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत हर्ष का विषय है कि हमारा चुनाव कार्यालय, क्योंकि ये चुनावी वर्ष है 2022 में के अंत में जो है चुनाव होने वाला है, और मैं अपने मंडल अध्यक्ष जी को बधाई दूंगा, पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को बधाई दूंगा, उपस्थित सभी सामान्य कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बधाई दूंगा कि आज से हमारा चुनावी कार्यालय यहाँ पर प्रारंभ हो गया है। अक्षय तृतीया के अवसर के ऊपर खुला हुए ये कार्यालय ये कुछ इशारा करता है। अक्षय तृतीया एक स्वयं सिद्ध मुहूर्त जो है वो माना जाता है, और इस अवसर के ऊपर जो भी कार्य प्रारंभ किया जाता है वो कभी कार्य असफल नहीं होता। मैं बहुत दावे के साथ, विश्वास के साथ ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ एक ओर ठाकुर जयराम जी के नेतृत्व में 2022 के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बनेगी, हम बहुमत से जीत करके आएंगे, वहीं दूसरी ओर कसौली निर्वाचन क्षेत्र से भी चौथी बार यहां से भारतीय जनता पार्टी के झोली में जो है ऐसा जो है संकल्प, जितने लोग यहां पर आज पधारे हुए हैं, जितने हमारे कार्यकर्ता आज यहां पर आए हुए हैं, सभी इसी संकल्प, ये संकल्प आज अक्षय तृतीया के अवसर पर ले रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हम यहां से विजयी बनाएंगे। मैं आज इस कार्यालय के शुभारंभ की सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और अक्षय तृतीया पर्व की भी मैं सभी लोगों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय हिमाचल। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए धर्मपुर से सुरेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। आपके विधायक ने पिछले 4 साल में क्या कुछ किया, क्या मुकम्मल हुआ और किसे किया दरकिनार, जनता से कितना रहा सरोकार और क्या रही विकास की रफ्तार। लाइफ टाइम्स टीवी दिखा रहा है हर एक विधायक का रिपोर्ट कार्ड। खास वीडियो सीरीज में देखिए आपके विधानसभा इलाके में विकास के दावे और उन पर विपक्षियों का पलटवार, साथ ही इलाके के निष्पक्ष लोगों की निष्पक्ष राय भी। हर हफ्ते केवल लाइव टाइम्स टीवी पर। आप भी अपने विधायक के कार्यकाल पर टिप्पणी करना चाहे तो हमें भेजे अपना वीडियो 82198-00003 या 82198-00004।